नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, त्योहार के बीच में दोस्तों आज मैंने अपडेट दूंगा आप लोगों को, सभी किसान भाइयों को। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ का मंडी खुली हुई है दोस्तों। और बंगाल से खुशखबरी आ रही है, बंगाल के किसानों के लिए खुशखबरी। लगभग दोस्तों 3-4 दिन में 100 रुपए की तेजी है बंगाल में। क्या कारण है उसके ऊपर बात करेंगे। बीज की रेट इस समय क्या चल रही है दोस्तों बंगाल में। पुखराज आलू से क्यों लोगों ने तौबा कर दिया, पुखराज आलू क्यों किसान नहीं बोना चाहते हैं। और दोस्तों एक मैं जल्दी ही सर्वे करने वाला हूं, जल्दी मैं सर्वे कर रहा हूं। जैसे हम खाद बीज का दुकान दोस्तों करते हैं, तो हम गेहूं का बीज की भी बिक्री करते हैं। तो सारे दुकानदारों से मिलके हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, जहां से गेहूं का बीज आता है उनसे ही बात होती रहती है। तो इस साल दोस्तों गेहूं की बुवाई कितनी हुई है, सरसों मारी गई थी गर्मी की वजह से तो आलू उन खेतों में लगा, पर गेहूं की बुवाई से सारा कुछ विश्लेषण एकदम क्लियर होकर आ जाएगा 4-5 दिन बाद कि आलू की बुवाई इस बार कितनी हुई है। तो वो सारी चीजें मैं दोस्तों जहां से गोदाम है बड़े बड़े जिनसे गेहूं का बीज आता है, हर जगह दोस्तों कॉन्टेक्ट रहते हैं, हर आदमी जहां काम करता है उनके कॉन्टेक्ट रहते हैं। तो मैं किसान भाइयों को सबको अपडेट दूंगा जल्दी ही एक अच्छी एक रिपोर्ट कि गेहूं की बुवाई इस बार कितनी हुई है, और गेहूं की बुवाई जिन खेतों में हुई है उन किन खेतों में गेहूं की बुवाई हुई है। आलू का जो प्रॉपर रकबा है, प्रॉपर क्षेत्रफल के बारे में जानकारी मैं आपको जल्दी ही 4-5 दिन में आप सभी किसान भाइयों को दूंगा। तो दोस्तों एनालिसिस एकदम सटीक होना चाहिए, कोई भी गलत खबर नहीं होनी चाहिए किसानों के लिए। बाकी दोस्तों बंगाल में तेजी है, पुखराज आलू से बंगाल में भी लोगों ने तौबा कर लिया। पुखराज के सीड में और जो ज्योति के और जो KCM के सीड में कितना अंतर है वो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, मंडियों भी अपडेट दूंगा। आज मंडियों में क्या हाल चल रहे हैं, गुवाहाटी के लिए आगरा से भी दोस्तों रैक लोड हुई है और कहां जा रही है रैक, कब पहुंच पाएगी उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्री बडी अदैत। आज है दोस्तों गोवर्धन पूजा, सभी किसान भाइयों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपडेट शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि गेहूं, अब मैं अपडेट आपको पूरी प्रॉपर ही दूंगा 2-4 दिन बाद, अभी गेहूं के बारे में जानकारी नहीं दूंगा। बाकी बंगाल से एक खबर आ रही है कि 60 दिन आलू के लिए बचे, अभी 60 दिन खपत के लिए, 60 कंजप्शन के लिए 2 महीने बचे हैं अभी। और अभी दोस्तों आलू जो कोल्ड स्टोर में बचा है वो लगभग 20% के आसपास कोल्ड स्टोरों में बचा हुआ है। सीड निकलने के बाद जो कुछ लोकल सीड भी लोग लगाते हैं तो 20% आलू बचेगा। क्या यह इतना आलू पर्याप्त रहेगा बंगाल के लिए, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताना। सबसे पहले मंडी की अपडेट, आज कई दिन बाद वीडियो मैंने डाला आप सभी किसान भाइयों के लिए और फिर भी वीडियो लेट हो गया, पर कोशिश करता हूं मैं आपको जल्दी जल्दी अपडेट देने की। बाकी दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर आलू जो चेन्नई की बात करें मंडी में, तो चेन्नई में आज VVIP आलू बिके 17-18-19 रुपए किलो तक, बहुत अच्छे आलू हल्की क्वालिटी के 15-16 रुपए किलो, 17 रुपए किलो तक ज्यादा तक। और दोस्तों जो हल्का आलू है, जो डैमेज आलू पहुंच रहे हैं, जो कोल्ड स्टोर खाली हुए थे कुल्ले वाले हल्के लूज आलू, उन आलुओं की कोई रेट नहीं है। भाड़े वाड़े में भी गाड़ियां बिक आ रही है, 10-11 रुपए किलो भी आलू दोस्तों बिक रहे हैं। और 18 गाड़ी की आमदनी है लगभग, बैलेंस पकड़ के आज 12 गाड़ी पहुंची है, 6 गाड़ी बैलेंस थी। और दोस्तों बारिश हो रही है, बारिश की वजह से आलू की बिक्री में थोड़ा सा मामला हल्का चल रहा है। बात करें पूना मंडी की, तो पूना में लगभग पूना मंडी की दोस्तों बात करें तो पूना में लगभग 17-18 गाड़ी आगरा की 20 गाड़ी तक हो सकती है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 15-16 रुपए किलो आज बिकाए, तेजी है भरपूर पूना मंडी में। हल्की क्वालिटी में 12-13 रुपए किलो और हल्के 8-9 रुपए 10 रुपए किलो दोस्तों छट्टे बिक रहे हैं हल्के। बात करें कानपुर की, तो लगभग 20 गाड़ी की आमदनी है। नया आलू भी दोस्तों थोड़ा बहुत कहीं चुटपुट पहुंचा है कानपुर मंडी में, कहीं से खुद के पहुंच गया होगा। एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला 175-220 रुपए मन, 40 किलो का मन होता है दोस्तों कानपुर का। ज्यादातर किसानों की शर्मा जी कानपुर के रेट मन में बताया करो आप, मैंने लो मन में सुनो हमें क्या दिक्कत है। हल्की क्वालिटी का गुल्ला 120-130 रुपए मन। एक्स्ट्रा सुपर मोटा 250-320 रुपए बढ़िया। हल्की क्वालिटी का 150-200 रुपए और हल्का 150-200। एक्स्ट्रा सुपर चिपसोना 450-500 रुपए हल्की क्वालिटी का दोस्तों बिक रहा है आपका 350-400 रुपए और किर्री के दोस्तों अभी कोई भाव नहीं है फिलहाल में, किर्री बहुत सस्ती बिक रही है। बात करें जयपुर की, तो जयपुर मंडी आज बंद है दोस्तों। और बात करें जोधपुर मंडी की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 11.5-12 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 6-10 रुपए किलो। और दोस्तों नया आलू की डिमांड बहुत कम है, नए आलू की अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है और नया आलू एक्स्ट्रा सुपर बिक रहा है 15-18 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का दोस्तों बिक रहा है 12-13 रुपए किलो। और बात करें दोस्तों डिमांड की, तो डिमांड नए आलू की कम है इस समय, ठीक है। और बात करेंगे आप सभी किसान भाइयों को बताता हूँ दोस्तों गुवाहाटी मंडी की, दोस्तों तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं 15-16-17 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 12-13 रुपए किलो। गुवाहाटी मंडी आज तेजी है दोस्तों 1-1.5 रुपए किलो की। आगरा के आलू 16-17 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, हल्का फर्रुखाबाद के आलू 14-15 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जबकि रैक पहुंची है इसलिए डिमांड अच्छी है।
गुवाहाटी मंडी में, रैक अभी पहुंची थी, रैक वो बिक रही है, खाली हो रही है। आगरा से बताते हैं, एक हमारे सूत्र है उनसे पता चला है कि आगरा से भी दोस्तों एक रैक लोड हुई है कल गुवाहाटी के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब गुवाहाटी जाएगी, जोरहाट वगैरह जितनी भी वहां मंडियां वहां जाएगी दोस्तों। वहां इस समय डिमांड आलू की बहुत ज्यादा रहती है। बात करें मुंबई की तो 25,000 कट्टा एक्स्ट्रा सुपर आलू वीवीआईपी 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। हल्की क्वालिटी के 12-13-14 रुपए किलो बिक रहे हैं। शुगर फ्री आलू 13-14 रुपए किलो, बढ़िया। हल्के 10-11-12 रुपए, हाइब्रिड 8-10 रुपए 11 रुपए। एमपी का ज्योति 14-15-16 रुपए किलो। दोस्तों हाइब्रिड से लोग इतना ज्यादा घबरा गए कि बंगाल में भी लोग पुखराज आलू को बिल्कुल पकड़ नहीं रहे। पुखराज आलू की बुवाई इस बार सबसे ज्यादा कम हुई है पूरे भारत में। पुखराज आलू लोगों ने समझ में आ गया लोगों के कि पुखराज आलू कच्चे के लिए है, इसको कोल्ड स्टोर में हम भंडारण करेंगे तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है, क्योंकि कोल्ड स्टोर में भंडारण करें ऐसे आलू का जिससे मार्केट में डिमांड रहे। हम कोई चीज पैदा कर रहे हैं, अगर हम अच्छी पैदा करके मार्केट में देंगे, कंज्यूमर को देंगे, तो वो कम से कम उसकी डिमांड रहेगी, उसको आगे लंबे समय तक खाएगा आदमी। अब आलू से ही लोगों का मोह भंग हो जाए, ठीक है, स्वाद के लिए आलू जो 37-97 में स्वाद है, जो चिप्सोना में स्वाद है, जो सूर्या में स्वाद है, ठीक है, इन आलुओं में जो स्वाद है, और जो केसीएम वगैरह होते हैं, जो खुफरी चंद्रों की बोला जाता है, और भी कई आलू है दोस्तों जो स्वादिष्ट है, उन्हें खाना चाहिए। ना कि हम ऐसी चीज पैदा तो ज्यादा बहुत आए तो मैं करते हैं, लौट के पता भी नहीं है कि लागत भी मिल पा रही है कि नहीं, ठीक है, सो समझ लीजिए। बात करें तिरछी की, 11 गाड़ी की आमदनी, अच्छी तेजी है। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 20-21 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 15-16 रुपए किलो, और हल्के 12-13 रुपए किलो। दोस्तों जिन मंडियों और जो मंडी आज ओपन है, मैं उनके भाई भाव आपको अपडेट दिए सारी मंडियों के। बंगाल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है, जो बढ़िया आलू, वो बिक रहा है दोस्तों 1050-1060 रुपए। जो आलू 2-3 दिन पहले तक बिक रहा था 930-940 रुपए, तो लगभग 100 रुपए की तेजी है आलू में दोस्तों, बढ़िया आलू में। और हल्की क्वालिटी के, सॉरी गड़बड़ हो गई दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने कुंटल के भाव आज लिखे हैं बंगाल के 100 किलो के, और मैंने माफ कीजिएगा मैं दोबारा बता देता हूँ, जो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू है जो बंगाल का दोस्तों, वो बिक रहा है इस समय आपका, जो बढ़िया आलू है वो बिक रहा है आपका, एक सेकंड, हल्का दोस्तों बिक रहा है 100 किलो के भाव है जी 1050-1060 रुपए क्विंटल। जो आलू बिक रहा था अभी 930-940 रुपए क्विंटल, तो 100 रुपए क्विंटल की तेजी है दोस्तों आलू में बंगाल के में। और जो बढ़िया वीवीआईपी आलू थे वो 650-680 रुपए बिक रहे थे दोस्तों कट्टा 50 किलो का, लगभग 680 से मान लीजिए आप 680 लगभग 1360 रुपए क्विंटल के आसपास बिक रहे थे, वो अभी समय 1400 रुपए क्विंटल से ऊपर बिक रहे हैं बढ़िया आलू, ठीक है। और दोस्तों सीड की रेट आपको मैं बता देता हूँ, ये कट्टे के हिसाब से बताऊंगा, तो केसीएम जो आलू है वो 2200 रुपए पहले बिक रहा था दोस्तों सीड में, अब वो 3000 रुपए का हो गया है दोस्तों कट्टा, सीड के रेट भी बढ़े हैं। ज्योति आलू 1400 से लेकर 1500 रुपए बिक रहे हैं, और पंजाब का जो पुखराज है दोस्तों वो 800 से लेकर 1000 रुपए बिक रहा है, ये स्थिति है सीड की। तो सीड में भी दोस्तों 100-200 रुपए क्विंटल टाइट हुआ है लगभग दोस्तों, और पुखराज की डिमांड बिल्कुल नहीं है, पुखराज की डिमांड बहुत कम है, ठीक है। अब समझ में लोगों के आ रहा है कि हमको, अब देखो एक चीज है, बहुत आए तुम्हें करके कोई चीज दे दे मार्केट में, रेट मिल नहीं पाए, फायदा क्या है, किसको फायदा हो रहा है, उससे फायदा किसको हो रहा है, जो व्यापार कर रहे हैं उनको, कोल्ड स्टोर मालिकों को, क्योंकि वो भाड़ा वसूल रहे हैं, ठीक है। अब कोल्ड स्टोर कम से कम आज सीएससी 70% होने चाहिए, 20-20% खाली रहेंगे तो किसान की पूछ होगी, अब पता चले कि 100% से भी बाद में आलू बाहर फेंका घूम रहा है, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं पूछेंगे। कुछ माहौल तभी बनाया जाता है दोस्तों, माहौल बना दिया लोगों ने कि ये हो गया वो हो गया, माहौल का बहुत बड़ा खामियाजा किसानों ने भुगता, पर धीरे धीरे करके सोच समझ के काम करते रहिए। आलू की बिक्री जिन लोगों के पास रखा हुआ है, अब उनसे मैं क्या कहूँगा, बिक्री करो या रोको, अब तो एंड है, जो होगा सो देखा जाएगा, सही है। और दोस्तों जिन लोगों ने सराहनीय कार्य किया, जिन लोगों ने धीरे धीरे करके अपना आलू बेचते रहे, वो लोग हमेशा फायदे में रहे। कम से कम 100 किसानों को मैंने पूछी, उनसे सर्वे किया, उन्होंने कहा शर्मा जी हम तो बहुत फायदे में, और हमने शुरू से 700 भी बेच लिया, 500 भी बेचा, 550 भी बेचा, 550 भी बेचा। बहुत से ऐसे होशियार थे जिन्होंने हाइब्रिड आलू 650-650 रुपए बेच लिए, उन लोगों को तो भाई सल्यूट करने का दिल करता है। गुल्ले 380-400 रुपए बेच लिए, किर्री बेच ली 200 रुपए कट्टे में दोस्तों। और बहुत से ऐसे हैं जो हजारों कट्टे खरीद के बैठे हुए हैं, लोगों ने जो सोचा खंदौली के ही बहुत कुछ लोगों ने दोस्तों किर्री की खरीद की थी खेतों पे से, और दोस्तों उनको बहुत लंबे चौड़े घाटे पड़े हैं। तो आलू में क्या है कि समझदारी के साथ सोच समझ के काम करना चाहिए, और आलू की बिक्री सुचारू रूप से करते रहेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। बाकी त्यौहार कैसा मना कमेंट में लिख के जरूर बताना, वीडियो को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करना, कोशिश करूंगा कि आप सभी किसान भाइयों को अच्छी से अच्छी बेहतर अपडेट देने की, और आगे सभी लोग जुड़े रहिए। जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख किसान होने वाले हैं,
99,000 के आसपास हो गए। आप सभी किसान भाइयों को दिल से धन्यवाद, और बेहतर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ।